बिल्कुल हट गए इंडिया में नहीं। अब जी है ना, अब इसमें भाई आवाज जो है ना यहाँ पे तो हम कर सकते हैं तेज। प्रथम मेरे में भी लगा दो वीगो स्पोर्ट में, अब तेरे में भी लगा दे। अब हमें पहले अब लगेगा सिविक में। अरे बहुत बढ़िया, मौज आ रही है बहुत। तो भाई सारे मेरे भाइयों का राम राम। और आज भाई अपनी होंडा में लगाएंगे आईपैड। वैसे आईपैड तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था ब्रीजा में लगवाने का, लेकिन ब्रीजा जो है अभी वो काम पे गई है, मतलब कि शिवम के पास खड़ी है, तो उसमें ना लगाते हुए फिलहाल मैं होंडा में लगा, क्योंकि ज़्यादा भाई गाड़ी होंडा चलती है। और स्टीरियो हमने खोल दिया, टच हमारा ये पड़ा बीएमआर आदमी भाई। वायरिंग वायरिंग हमने टच निकाल दिया, एंड्रॉइड निकाल दिया सारा। अब इसका कवर ववर लेने चलते हैं, फिर इसे साइड कर देंगे, फिर दिखाएंगे आपको। और डेब बन भाई सिंगल लीड लगती है देखो, इसलिए एक बंद है। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? आईपैड आईपैड कर रहे भैया। कितने आईपैड खरीदोगे, रोज ही खरीदोगे? दो तीन तो हो रहेंगे, पक्की बात है। दो तीन, एक दो गाड़ी में रखने के बाद दो तीन हो रहेंगे। तो भाई आईपैड में ना एक दिक्कत रहती है बस, फाइन। जब आईपैड में हमने डाटा केबल लगाई तो ये जो अब जी है ना, अब इसमें भाई आवाज जो है ना यहाँ पे तो हम कर सकते हैं तेज, लेकिन अब ये छुप जाएगा, वॉल्यूम काम नहीं करता। पता हम इससे चलता रहा है, लेकिन चक्कर क्या है ना, अभी हम पे इसका और इसका इंटरफेस नहीं है, तो इसका स्टीयरिंग कंट्रोल हम चला नहीं रहे, तो और ये चला नहीं रहे, और आवाज़ इसमें भाई कम ज़्यादा हो नहीं रही। देख लो ये ना, आवाज़ कम कर लो ज़्यादा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बेड में यार दिख ना रहे भाई। हाँ यार, ये अच्छा लग रहा है, बढ़िया। तो प्रथम मेरे में भी लगा दो वीगो स्पोर्ट में, अब तेरे में भी लगा दे। अब हमें पहले अब लगेगा सिविक में, फिर ब्रीजा में, वीगो स्पोर्ट, फिर तो पता नहीं भाई किस किस में लगेगा, हमारे तो समझ। अभी अपना जुगाड़ बैठा ले, हम बैठा स्टूडियो के बाद 30 पे रहेगी परमानेंट, 30 पे कर दी, सेट कर दी, सेट 30 पे सेट कर दी। तो भाई फाइनली जो है फ्रेम कर रहा है इसकी फिटिंग, लास्ट काम चल रहा है, आउटपुट भी आपको लास्ट में दिखा देंगे, वैसे थोड़ा बहुत दिखा दिया। बाकी भाई बात कर रहे हैं अब अंदर ईको स्पोर्ट की, तो ये प्रथम की हमारे। अब इसे रैप करेंगे कोई गोदम सैटर्न ब्लैक, मैट ब्लैक, सैटर्न ब्लैक। तो भाई हम ईको स्पोर्ट करेंगे प्रथम की सैटर्न ब्लैक। इसने डायमंड आई भी करवा ली लड़के ने, बहुत अच्छी लग रही है, थोड़े अलग अलग वाली। जब पिछली बार हमारे पास है तो बिल्कुल स्टॉक थे, तो देखो शीशे भी काले करा रखे लड़के ने। अब इसकी फिटिंग विटिंग खुलने वाली है, और जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा भाई थोड़ी बहुत दिखा देंगे, और फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये ईको स्पोर्ट सडन ब्लैक होने के बाद लगती कैसी है। तो भाई बहुत देर मशक्कत करने के बाद आईपैड तो हमने लगा दिया। उस्ताद बढ़िया लग रहा है, हमारे स्टीरियो में ब्लूटूथ नहीं है, इसमें ऑक्स लगा रखे हैं, नहीं तो ये इसके ऑक्स में ब्लूटूथ लगवा दूंगा, बैटरी खत्म। ये देखो पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी हो गई हमारी। ओहो मरा ना आदमी, अभी यहाँ बैठा, अभी यहाँ बैठ गया है। तो भाई ईको स्पोर्ट का बम्पर वम्पर सब खुल गया है, फिटिंग वेटिंग लाइन पर खुल गई है, और उस्ताद ने आज हमारी गाड़ी में लगा दिया DSP। अब इसकी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं भाई। तो भाई यहाँ तरुण भी आ गया, कोई एम्प वैम्प खराब हो गया इसका, तो एम्प लगवा रहा है। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या हो गया, क्या करवा रहे हो? भाई मेरा एम्प घूम गया था, तो महेंद्र वाला एम्प लगवा रहा हूँ। महेंद्र का नाम है मेरा, महेंद्र का भी, महेंद्र का फोन आया, तरुण आ रहा है, एम दे देना। हाँ तो भाई मेरा एम भूख गया ना, तो मैंने यार मुझे चाहिए। हाँ बिना सिस्टम के मजा नहीं आ रहा। वो उसके ऋषभ के पास फोन करा मैंने कि भाई उसके पास आता मुझे किस काम से, मैंने यार एम भूख गया, दिमाग खराब हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। नहीं मेरा महेंद्र का फोन आ गया, कह रहा है तरुण आ रहा है, उसे एम दे देना। भाई बिना सिस्टम की गाड़ी चल रही है। अरे अपने मुँह को ठीक नहीं होगा अभी ना, अभी तो दिया भी ना गाड़ी में पड़ा है, टाइम ही ना मिला। दे दे साले, नया आ जाएगा वो तो, कल दूंगा, कल परसों दूंगा, मंडे को दूंगा, नहीं मंडे नहीं, मंडे तो मार्केट में है, ट्यूसडे दूंगा ना, चार दिन। इसलिए तो कितने दिन होगा तेरे को बिना सिस्टम का? कल ही तो भुगा ही, हाथ आते यही आ रहा था, भुग गया एकदम। बहुत बढ़िया, तुम्हें फोन ना करा था जब तुम आईपैड लेने जा रहे थे, याद है मुझे? मैं निकल गया, मैंने कहा भाई निकल गया, मैं तो कल भी बुला रहा था। अरे भाई मैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के छतरपुर तक पहुंचा, रेड लाइट पे बस फोन कटाइया, तुम खत्म। वोकल सुनता सुनता आया, नहीं वोकल तो बढ़िया बज रही तेरी गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी रैप कराने का रहा है, सरप्राइज। चलो भाई मुश्किल में एक या दो दिन जा रहा है मैक्सिमम, इस बार कुछ बहुत ही ज्यादा हटके, बिल्कुल हटके, इंडिया में नहीं। तेरे भाई बता देना अगर हो तो तुम। बिल्कुल बिल्कुल ना है ना, बिल्कुल तो नहीं है भाई है? अरे मुझे तो पता है, तो है नहीं है, है नहीं है, वो कलर यूनिक है, मुझे लग रहा है ये कॉपीराइट पढ़वाएंगे, इनका तो चैनल है नहीं, ये मैं भी लेते तेज बोल रहा हूँ, उसकी आवाज ही नहीं आएगी ना फिर। उस्ताद DSP
भाई क्या? काम धंधे में ध्यान लगाओ, काम करने में ध्यान लगाओ। पता नहीं कौन कौन से गाने सुन रहा है, देखो सेटिंग कर रहा पूरी पूरी तरीके से, अपनी भी सेटिंग और सिस्टम। अरे तरुण कहाँ है तरुण, तरुण कहाँ तरुण? अरे यार भाई यहाँ हवा खराब है भाई। एक बात, ये पता क्या सोच के बैठ रहा है, इसका एम खराब है, इसका एम खराब नहीं, इसका बूफर खराब है। बूफर खराब नहीं भाई, नहीं आ रही आवाज भाई, अभी तार लगेगा, तार लगेगा। अरे तार बार हमने समझा, देखो ये दो तार है, एक प्लस में माइनस। अरे भाई यार प्लीज हार्ट अटैक मत बोल रहा है। हां कसम से इतना टाइम तो ना लगा। अरे वो तरुण चल गया, ओए फेम चले एक बार, ओ भाई रहन दो भाई, फेम कर एक बार दोबारा। आ गया आ गया, तो कैसे चलेगा तार दूसरे के लगा रहे हैं। वो मैं बता देता हूँ क्या हुआ, तार तुमने भाई तरुण ने लगा रखे पहले दो बूफर भाई, वो गलती तुम्हारी है ना, हमारे का हुआ सिस्टम का है भाई, ये बताऊँ आप ठीक रही बूफर के तार बताएगा तू, गलती हमारी। अरे हंस है मेरे यार, हदोगे तो लोग बंदा ही देखने के लिए। अरे तो भाई देखते भाई मजा आता ना। अब बता तुम, अब बता क्या कर रहा है, अच्छा वैसे गाड़ी में हाँ। ये बताएंगे मेरे को नहीं, उस्ताद बताओ भाई बहुत दिन हो गए सफेद चलाते चलाते, तो बस तरुण गाड़ी का चेंज अब हटो बच्चों कर दो ठीक भाई। बहुत बंदे कह रहे थे कि ब्लैक कराओ, ये कराओ, वो कराओ, तो कुछ ऐसे ही करा देंगे कि सोची नहीं होगी, सोची नहीं होगी है। अब फिर बॉन्डर आएगा, बॉन्डर मुश्किल 3-4 दिन की बात जा रही है बस, है ना मैक्सिमम 4 दिन भाई, अभी 4 दिन फिर हवा भाई, 5वें दिन फिर हवा भाई, फिर हवा भाई, पंडित जी हम घर आए और हमारा लौंडा। हाँ जी क्या चाहिए? जी चाहिए। क्या चाहिए? जी चाहिए। खिलौने की दुकान है सामने, क्या चाहिए? खिलौने। खिलौने चाहिए? पहले बहू दिखा अपनी, ओए ओए बहू दिखा दी, ओए रसला जी। हाँ जी, तुम्हारा लौंडा भी और तुम भी भैया, दोनों तो दोनों गाड़ी इनका सो गए। देखो बालक क्या खेल खेल रखा है, क्या ले आ रहा है तेरा पति? देखिए अरे मुंह में, अरे ऐसे दिखा क्या लेके आया तू, गाड़ी क्या लेके आया बता, क्या लेके आया? जे जे नहीं, जे दिखा, जे का लाया पंडित जी, ढंग से दिखाओ। देखो गाड़ी हॉट व्हील्स की लौंडा गाड़ी लाया, दिखा दे, आग लगा दी, दिखा गाड़ी, दिखा दे कौन कौन सी है गाड़ी, बड़ी महंगी पड़ी घर आए 150 रुपए की एक है, किराज करके दिए 500 रुपए की। अरे ये तो नहीं है किराज, मौज आ रही है, कितनी मौज आ रही है, कितनी मौज आ रही है, है भाई ऐसे नहीं बताया कितनी मौज आ रही है, ये पूछो बस की मौज आ रही है, तो कह मौज आ रही है भाई। पापा ने आज नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, कहां नहीं जा रहे, घर नहीं जा रहे, इसे घर के रास्ते याद है, पापा छोड़ो, कहां चले, अब नहीं जा रहे हम, तो नहीं जा रहे घर, अब नहीं जा रहे हम घर, इसको वापस दे दूं, वापस दे दे इसको, वापस ला मैं लेके जाऊंगा, ये पंडित जी को दे दे, ला मैं ले, मैं लेके जाऊंगा, नहीं हां नहीं, अब तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को नहीं, हां ओया रह दे दो पंडित जी, आके दोरे पड़ जाएंगे। तो भैया ये गौतम कभी कभी हमारी गाड़ी देखो ऐसा खड़ी कराया, ये देखो बिल्कुल 0-0 का कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं 0 से भी 0 ही है। तो प्रतीक भाई क्या कर रहे हो, अच्छा दिखा वहाँ दिखाने से पहले यहाँ दिखा देता हूँ, चलो। तो भाई देखो यहाँ पे भाई ये जंग लग रहा है, क्या लग रहा है, जंग होता तो निकलता नहीं है ना, तो भाई देखो जैसे क्रोम होता है ना ये खराब सा हो रहा है और ये थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो मैंने भाई को बोली, मैंने कहा भाई ना हटा दो, भाई कह रहे हटाऊंगा नहीं, साफ कर लूंगा ऐसे, तो कंपाउंड लगाया और साफ कर रहे हैं भाई, रगड़ रगड़ के देखो ये ऐसा था, कपड़ा मारो इसे भाई, अभी हट जाएगा ये। तो हमारे यहाँ ये काम भी होता है, हमारे यहाँ सब होता है, सब होता है। तो भाई हैंडल कर दिया बिल्कुल साफ, घिस घिस का, थोड़ी सी मेहनत तो लगी लेकिन साफ हो गया भैया, जितने भी जंग वगैरह थे सब हटा दिए। टाइम बच चुके हैं 4 और ईगो स्पोर्ट का पहला पीप जो है बोनट वो हम रैप कर चुके हैं, अब देखेंगे कल शाम तक इसको कम्प्लीट कर देंगे, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ में बम्पर वम्पर में टाइम लगेगा, इसमें भी बाकी साइड और ये छत छत होगी इसकी है भाई, अनुज उस्ताद बताएंगे, क्योंकि छत तो इसकी ग्लोव ब्लैक है ना भाई, ये तो मेरे ख्याल से फिर उतरेगी, क्योंकि रोड लगने की ये सैटन ब्लैक हो जाएगी, वो ग्लोव ब्लैक हो जाएगी, तो बहुत बताएंगे भाई उस्ताद, उस्ताद तो अपना काम व्यवस्था भाई, जैसे मुझे लगता है उम्मीद है भाई छत उतरेगी इसकी 90%, बाकी इसको रख दो इसका वो ग्लोव ब्लैक है, ये ऐसी रहेगा, फिटिंग भी सब खुल चुकी है, अलग लड़के ने लगवा दिया मैट ब्लैक,
मैट सैटन पता ना कौन से भी ले गए, लेकिन है 17 इंची के बढ़िया लगा दिए। टायर प्रोफाइल भी अच्छी लगे लड़के ने, 215/60/17 कहीं भी चला लो, कहीं भी गड्ढे वड्ढे आएंगे तब भी झेलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में बड़े लग रहे हैं, देखो भाई मार्केट में लाल स्कॉर्पियो हुए, देखो एन रेड कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियाँ भाई लाल कलर में अच्छे नहीं लगते। बाकी भाई अपनी होंडा देखो बिल्कुल साफ कर दी मैंने, हैंडल वैंडल चिपका के एकदम। और सुनाओ जी मौज बार, एम्पली आए? एम्पली आए भाई। चलो भाई दिखा देता हूँ एक बार कहाँ है, पीछे रखाऊंगा। पहले वाला अच्छा पेटी वेटी सब निकाल दी। तो भाई अब की बार भाई एम्पला है साउंड बैरियर का। तो उस्ताद एक बात बताओ, हाँ जी, ये इतना बड़ा जहाज खरीद लिया हमने, हाँ जी, इसमें आप कितने रुपया फूक दिया था हमने, कितने रुपया में आग लगा दी? टाल मारो घर वाले भी देखेंगे वीडियो। अच्छा ऐसा भी है? रुपये तो काम बता दो फिर। काम बता दो, काम बता दो, रुपये तो अपने आप देख लेंगे। 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, 1,00,000 किलोमीटर के हिसाब से, 1,00,000 के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर में चेंज होनी होनी होती है। वो उस बंदे ने कराई तो हमने करा दी। इसमें पूरा क्लच सेट नया डाला है, गाड़ी की सर्विस ठीक है, इसका गियर ऑयल पूरा नया, इंजन ऑयल और इंजन ऑयल तो सर्विस में आ ही गया, आपका कूलेंट पूरा टॉप अप अपनी पूरा ड्रेन करके नया, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड पूरा नया। और स्लिक में मेजर कंप्लेंट रही थी पावर स्टीयरिंग की, हमारी पावर स्टीयरिंग सही है, हमारे में लीकेज वीकेज भी अभी तक तो नहीं है, थोड़ा हार्ड है इसका क्योंकि। और हमने इसमें दो तीन बैरिंग खराब थे वो करा दिए सही, और बाकी और क्या कराया था सर? एसी काम कराया मैंने, एसी का एसी कंडेंसर नया है और एसी की पूरी गैस और सर्विस पर भी साफ नया। और हमारे पंडित जी देखो पता ना कहाँ घूम रहे हैं। तो भाई स्विफ्ट आ गई दोबारा हमारे पास, जैसे पिछली बार इंटरफायर लगाया था उसमें दिक्कत आ गई, तो अब की बार हमने एसेंट भी मतलब साउंड बैरियर लगा दिया बहुत बढ़िया। अब इसका एक बार आउटपुट चेक करा देते हैं आप। बूफर बढ़िया जगह लग रहे हैं। बहुत बढ़िया मौज आ रही है बहुत। देखा गौतम तेरा प्रचार कर रहा हूँ मैं, अब 300 रुपए पेटीएम कर दे। हर भाई बढ़िया बज रहा है, मजा आ गया? मजा तो पिछली बार भी आया था लेकिन एम में दिक्कत आ गई थी। वीडियो करते हैं काफी लंबा ब्लॉग हो गया और आईपैड जो भाई मजा दे रहा है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस ब्लॉग का डालने के बाद बहुत ज्यादा इंक्वायरी भी आएंगे, बहुत बंदे अपने आईपैड लगवाना चाहेंगे। भाई बहुत छोटा और सिंपल का प्रोसेस है, किसी भी मेरे भाई का लगवाना हो तो आईपैड ले आना, फिटिंग हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, जय बाबा की, जय बाबा की।